भारत अलग अलग राज्यों का देश, अलग अलग प्रथाओं को मानने वाले लोगों का देश, अलग अलग तरह के जीव जंतुओं का देश, और इन जीवों में एक जीव है कुत्ता। जी हाँ, भारत अलग अलग प्रकार के स्वदेशी नस्ल के कुत्तों का भी घर है। प्राचीन काल में भारतीय कुत्तों का सारे विश्व में बहुत महत्व हुआ करता था, किंतु दुख की बात तो यह है कि संरक्षित न किए जाने के कारण उनमें से कई जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। भारतीय कुत्तों के आक्रामकता और साहस की वजह से बाकी देशों के सारे शासक इन्हें रखने के इच्छुक थे। जहां तक जानवरों के व्यापार की बात है, भारतीय हाथियों के बाद भारतीय कुत्तों का आयात सबसे ज्यादा किया गया दूसरे देशों द्वारा। भारतीय कुत्तों को निडर माना जाता था और इसलिए उन्हें युद्ध में और शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि भारतीय शिकारी कुत्ते रोम और इजिप्ट को भी निर्यात किए गए थे। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उत्तर पश्चिमी भारत, जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, उस पर आक्रमण कर कुछ राज्यों को जीत लिया था, तब उत्तर पश्चिमी भारतीय राजा सौभाटी या सौभूटी, जो सोफाइटिस के नाम से भी इतिहास में जाने जाते हैं, उन्होंने अलेक्जेंडर से हाथ मिला लिया था और उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को 150 शिकारी कुत्ते भेंट स्वरूप दिए थे। इन कुत्तों का साहस प्रदर्शन करते हुए राजा सभूटी ने दो कुत्ते एक पूर्ण विकसित शेर पर छोड़ दिया था। लड़ाई के दौरान जबकि एक कुत्ते का पैर बुरी तरह घायल हो चुका था, फिर भी उसने शेर को अपने जबड़ों में दबाए रखा। अलेक्जेंडर के लिए यह दृश्य बहुत अद्भुत था, जिसे वह बड़ी आश्चर्यता से देख रहा था। भले ही यह संदेहजनक लगता हो, किंतु यह घटना इन भारतीय कुत्तों की अद्भुत पराक्रम को दर्शाता है। 2011 में किए गए डीएनए परीक्षण से पता चलता है कि हिमालय की घाटियों में पाए जाने वाले कुत्तों और कई विदेशी नस्लों में जेनेटिक समानताएं हैं, जैसे रॉटवाइलर, ओल्ड इंग्लिश शिपडॉग, न्यूफाउंडलैंड, ग्रेट पायरेनीज, बर्निश माउंटेन डॉग और सेंट बर्नार्ड जैसे कुत्ते हिमालय में पाए जाने वाली देसी नस्ल के मैस्टिफ कुत्तों से ही निकली हैं। यानी ये मैस्टिफ कुत्ते जो हिमालय में पाए जाते हैं, ये ही इनके पूर्वज हैं। 2014 के शोध में यह पता चला कि लियोनबर्गर कुत्ते भी हिमालय मैस्टिफ से ही निकले हैं। 2017 में स्कॉलर जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंसेस द्वारा प्रकाशित एक जर्नल में हिमालय में पाए जाने वाले देसी नस्ल के कुत्तों को पूरे दुनिया के मैस्टिफ टाइप कुत्तों का पूर्वज बताया। अलेक्जेंडर के भारत आने से भी बहुत पहले 465 से 425 ईसा पूर्व में पर्शिया के राजा आर्टाजर्क्सिस प्रथम ने अशीरियन के गवर्नर को 4 कर रहित गांव दिए थे, ताकि वहां सिर्फ भारत से लाए हुए शिकारी कुत्तों का ख्याल रखा जा सके और उनका प्रजनन कार्य चलाया जा सके। वे इनका इस्तेमाल सेना में भी करते थे। हाल ही के वैज्ञानिक प्रमाणों से पता चला है कि भारतीय कुत्तों के निर्यात का व्यापार आर्टाजर्क्सिस से भी बहुत पहले से चला आ रहा था। 667 से 631 ईसा पूर्व में अशीरियंस के आखिरी राजा महान असुरवनिपाल को एशियाई शेरों का शिकार करने का बहुत शौक था। शेरों को एक एक कर पिंजरे से बाहर छोड़ा जाता। भाला लिए घुड़सवार शेरों को राजा के रथ की ओर खदेड़ते, ताकि रथ पर सवार राजा उन्हें अपने तीर और तलवार से मार सके।
अखाड़े के चारों ओर भारतीय शिकारी कुत्तों का एक घेरा बनाया जाता ताकि ये जुझारू कुत्ते इन शेरों को अखाड़े से बाहर निकलने की कोशिश करने से रोक सकें। 23 से 79 ईस्वी में गैस्प्लिनियस सिकंडस नाम का एक रोमन नेचुरलिस्ट था जो प्लिनी द एल्डर के नाम से मशहूर था। वह एक नेचुरल फिलोसोफर, एक नौसेना का ऑफिसर और शुरुआती रोमन एम्पायर का आर्मी कमांडर भी था। प्लिनी द एल्डर ने नेचुरालिस हिस्टोरिया यानी प्राकृतिक इतिहास नाम का एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा था जिसमें उसने लिखा, भारत में सबसे बड़े आकार के जानवर विकसित होते हैं। ये भारत ही है जहाँ से दूसरे देशों के मुकाबले सबसे बड़े आकार के कुत्ते लाए जाते हैं। इसका कारण भारत की विविध जलवायु है, जहाँ ये उत्तर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो वहीं पश्चिम में देह को जला डालने वाली मरुभूमि से, तो पूर्व और दक्षिण में विशाल और घने जंगलों से भरा हुआ। 1415 से 397 ईसा पूर्व में थीसियस नाम का एक मशहूर ग्रीक राइटर हुआ करता था जिसने अपनी मशहूर किताब इंडिका में एक भारतीय जनजाति के बारे में लिखा जो बहुत सारे बड़े आकार के आक्रामक कुत्ते रखते थे अपने आप को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए। जिन भारतीय नस्ल के कुत्तों की कभी पूरी दुनिया में इतनी मांग थी वो आज अपने ही देश में अपना वजूद तलाश रहे हैं।